वेलकम टू एस सी मैथमेटिक्स। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2017 का एक प्रीवियस पेपर जो कंडक्ट किया था 18 अगस्त शिफ्ट 3 में। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है 2143 को 38 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन मतलब भागफल कितना आता है। तो बस आपको डिवाइड ही करना है, ये तो इतना टिपिकल क्वेश्चन है। देख लेते हैं, 2143 को अगर हम 38 से भाग देंगे तो 38 पंजे कितने होते हैं, 190। 190 से जाएगा क्योंकि 6 से नहीं जा सकता, तो अगर कट माइनस करके देख लेते हैं 4 आ और 11 में से 9 गए 2, ठीक है, तो ये तो 0 जाएगा। अब अगेन हमने यहाँ से 243 उतार लिया। अब अगला नंबर जो है वो 6 से चला जाएगा क्योंकि 190 से काफ़ी बड़ा है, तो ये 6 से जाएगा, तो आंसर 56 आ गया, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी बराबर 15 डे दे रखा है और ए अकेला 20 दिन दे रखा है, यानी अकेला अगर ए करे तो उसको 20 दिन लगते हैं, तो बी आधे काम को कितने समय, आधा काम दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं क्या करना होता है, जितने भी दिनों में काम कंप्लीट दे रखा होता है अपने पास सेट है 15 और 20, हमें उनका एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15 और 20 का, एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है, और ये काम करेगा टोटल वर्क की तरह। तो ए प्लस बी 60 काम 15 दिन में करते हैं, मतलब एक दिन में 4 काम होगा, 15 चौक 60, और जो ए है 60 काम 20 दिन में करता है, मतलब एक दिन में 3 काम करता होगा। अब देखो जब ए अकेला करता है तो 3 काम होता है, और ए और बी 7 काम करते हैं तो 4 दिन लगते हैं, मतलब 4 काम करते हैं, यानी कि बी कितना करता होगा, बी एक काम करता होगा क्योंकि तो 3 और 1 4 तभी तो होंगे, तो यानी बी कार्य क्षमता है एक दिन में 1, ठीक है, और काम है कितना, काम निकलवाना है, हमने माना था 60 का आधा कितना होता है 30, तो 30 को 1 से भाग देंगे तो 30 ही आंसर आएगा, यानी कि बी को आधा काम करने में 30 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें रेक्टेंगल का यानी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का हमें विकर्ण दे रखा है, डायगोनल दे रखा है 51 और उसकी 1d4 दे रखी है इस तरह से। ये 24 है, ये x है और हमने को ये नल दे रखा है, विकर्ण दे रखा है और विकर्ण की लंबाई है 51। फ्रेंड, आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि जो किसी भी आयत का जो है ना डायगोनल होता है वो उसको इक्वल एरिया से ट्रायंगल में डिवाइड कर, यानी कि ये एक्चुअल में एक ट्रायंगल बन चुका है जिसके कर्ण यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू 1, हाइट दे रखी है 24, अपने को पहले बेस निकालना पड़ेगा, हम तभी का काम करेंगे, बिना इस साइड हम एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम अगर ध्यान से देखें तो 50 क्या लिख सकते हैं, 17 3 51, इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 n 2 3। अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो एक्चुअल में हमें देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक भुजा 17 है, एक भुजा 8 है, पता होगा लट होती है 18 और 17, तो ये कितनी होगी, जो नीचे पहुंची ये होगी 15 n 3, यानी कि 45 हो जाएगी क्योंकि हर जगह 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 15 भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लेंथ कितनी होगी 15 n 3 यानी 45, यानी x की वैल्यू कितना होगी 45। अब हमें एरिया निकालना, एरिया क्या होता है इंटू विड्थ, तो 24 × 45 कर लो 2485, ठीक है, तो 45 को 20 आ जाएगा 900 और हमें इसमें 180 और जोड़ना पड़ेगा, तो 80 आ गया, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा के लिख दिया, यानी कि अगर पहले उसका दाम 100% था उसने बढ़ा दिया, यानी कि उसका दाम हो गया होगा 100%, उसके बाद क्या हुआ 10% छूट दे दी, तो 160 पे छूट दी होगी ना, तो 160 का 10% 160 का जो होता है 16, यानी कि माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140, यानी इसको कितने पैसे ज्यादा, इसका मूल्य था 100 रुपीज, आप कितने मिल रहे हैं इसको 144। क्वेश्चन कितने, अच्छा यानी कि 100 की वैल्यू अपने को दे रखी है 75,
144 की वैल्यू, तो ये तो सिंपल हो जाएगा, 100x इक्वल टू 74, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 44। तो कैसे हो सकता है, एक्स की वैल्यू निकाल, 00 शहीद हो गए, वहाँ कितना हमें 144 एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू आ गए, तो 144 अगर हम 75 करेंगे तो ये आता है 108 और 00, 10,008, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, ओके अगन कह रहा है 94, 24, 100 संख्याओं में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, हम संख्या निरंतर में हो, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो, अगर हम इन चार एक्स वाई जेड और ए, तो हमें दिखाना क्या है, अपॉन वाई शुड बी इक्वल टू जेड अपॉन, और ऐसा कब होगा जब हम इसमें हम कुछ संख्या जोड़ेंगे, अभी तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, हमें इसमें कुछ जोड़ एक्स के वाई प्लस के जेड प्लस के और ए, अपने को के की वैल्यू निकालने की जोड़ने का प्रपोज, तो ऐसे कुछ हम क्या करते हैं सीधा ऑप्शन लेते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, तो 94 में अगर कितना होता है 104, 24 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 134, 34 से 104 पॉइंटों में वैल्यू आ रही होगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो पहला कट गया। दूसरा ऑप्शन दे रखा 11, 24 प्लस 11 और 24 प्लस 11, तो ये कितना होता है 105, और ये होता है 35। अब देखो ग्यारह है, यानी कि इसको हम चेक कर सकते हैं, यानी ये तीन बार की अगले में भी तीन आ, तो ये हो जाएगा 111, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करा तो 111 आ गया, बटे 20 तो 37, तो अपने को मालूम है 3 × 111 होते हैं, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा दूसरा 11 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आदमी ने मतलब एक बैट्समैन ने मैच में 81 रन, जिसकी वजह से उसका एवरेज मैच में 3 रन बढ़ गया, तो 16 मैच के की एवरेज कितनी होगी, उसने मैच कितने थे 16 मैच खेल लिए थे, 16वें मैच के बाद उसका एवरेज नहीं हर मैच में 3 बढ़ गया होगा, तो 3 बढ़ा के रन कितने चेंज हो गए होंगे, 16 × 3 = 48, यानी प्रत्येक मैच में 48 का उसका रन बढ़ गया होगा, ठीक है, तो उसने रन कितने बनाए थे, उसने रन बनाए थे 81 घटा दो तो 81 − 48, तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये भी 3, ठीक है, यानी कि 15वें मैच तक उसका एवरेज रहा होगा 33, ठीक है, मगर हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि 16वें मैच के बाद क्या हो गया, अगर 15वें मैच तक 33 था, 16वें के मैच में तो 3 बढ़ गया ना, तो 33 + 3 कितना हो गया 36, आंसर आ गया 36, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने 12 सेब खरीदे 60 रुपए के और 5 सेब बेच दिए 32 रुपए का, तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 12 सेब खरीदे 60 रुपीज के, 5 सेब बेच दिए 2 रुपीज के, जब भी ऐसे केस चाहते हैं हमें क्या होते हैं, हमें क्या करना होता है, जो भी खरीदा होता है उसकी संख्या इक्वल कर देनी होती है, अभी तो अलग अलग है ना, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, उनकी संख्या बराबर करनी पड़ेगी, क्या करते हैं ऊपर कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं 12 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो दोनों की संख्या बराबर होगी, 60 60 हो गई ना, यानी कि हमने 60 खरीदे 6 × 5 रुपए के और 60 से बेचे 32 × 12 तो 364 कितना होते हैं 384, 384 के डिफरेंस कितना है 84 रुपीज़ का, कितने रुपए गुणा 100, परसेंटेज में आंसर देना है तो 2 0 से 2 0 शहीद हो गए और 54 हो तो आंसर आ जाएगा 28%, ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़ाबिया स्क्रीन, ओके okay, 2 मजदूर ए और बी थे जिनको कुल 1120 रुपये पगार दी जाती है, ये बता रखा है कि ए को बी से का 180% पैसा दिया गया, यानी कि अगर बी को दिया गया था तो एक्स रुपये दिए गए थे, तो ए को कितने दिए गए थे 1.8x दिए गए
तो दोनों को कितने पैसे दिए गए होंगे, 2x और 2.8x का मान कितना दे रखा है, 20, मतलब 1120। तो 2.x बराबर 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 चौक 112, यानी 400 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 400, तो यानी कि b को मिले होंगे 400 रुपये, और जो शेष बचे होंगे वो a को मिल जाएंगे। तो निकाल, ओके b का ही निकाला, तो b का आ गया 400। और नंबर पहला, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, उसने कुछ भाग जो डिस्टेंस का था वो पैदल ट्रैवल किया स्पीड से, और कुछ भाग ट्रैवल साइकिल से 18 की स्पीड से। तो मैं बताना है कि पैर से उसने कितना ट्रैवल किया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे स्पीड दे रखी है पैर की, और ये हमारी दे रखी है साइकिल की। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अभी अगर वो पैर से 1 घंटा चलेगा कितनी दूरी जा पाएगा, 9 किलोमीटर, और अगर साइकिल से 1 घंटा चलेगा तो वो कितना जा, 18 किलोमीटर। अब वो गया कितना है, 9 घंटे में 99 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर 1 घंटे में कितना जाएगा, 90 11, यानी कि एवरेज वो कितना गया है, 1 घंटे में 11 किलोमीटर, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, तो 11 में से 9 गए बचे 2, और 18 में से 11 गए तो कितने बचे, 7x, यानी कि जो डिस्टेंस था वो 7x तो गया था पैदल पैदल, और 2x गया था साइकिल के ऊपर। निकालना इसका पैदल का ही निकालना है, तो पैर है 7x, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है मतलब 1 घंटे में वो कितना जाता है, 11, और हमारे पास दूरी कितनी, दूरी अपने को है 99 किलोमीटर। तो 99 किलोमीटर को अनुपात 2 में कर दे डिवाइड, तो देख लेते हैं क्या आ जाता है, 1 सेकंड, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, 9 स्पीड से वो 7 दूरी 7x 18 की स्पीड से होगा, तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 6 किलोमीटर, और 963 किलोमीटर। तो हमें किसका निकालना है, पैर का निकालना है, तो पैर का कितना आ गया, 63 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कि 15% रेट से 2 साल में पर अपने को पैसा मिलता है 20,640 रुपये, तो वो पैसा कितना होगा, अपने को अमाउंट अमाउंट नहीं मतलब प्रिंसिपल निकालना है, निकालना है, ऐसा लगाया गया होगा, ठीक है। फ्रेंड्स अपने को पता होना चाहिए कि 15% का वैल्यू ये होता है 3/20, 15% को 3/20 देते समय 2 साल, ठीक है। तो फ्रेंड जब भी समय 2 साल होता है ना, तो फ्रैक्शन में चेक की वैल्यू होती है, हम उसका स्क्वायर करते हैं, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। और ये 400 है वो काम करेगा हमारा प्रिंसिपल की तरह, यानी कि इसको एक्स साथ में ले लेते हैं, यानी कि पैसा कितना था, 400x था, 20 रुपये पे उसको कितना मिल रहा था, तो इंटरेस्ट 3x मिल रहा था, मगर में हमने पैसा कितना लिया है इससे, 20 गुना, इसका 20 गुना हो जाएगा, यानी अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण क्या हो जाएगा, उसको हर साल उसको कितेंगे, इसका ये 20 गुना है, तो इसका 20 गुना कर दो इनटू 2 यानी जाएगा, यानी हर साल उसको 60-60 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 60x, मगर क्योंकि ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें क्या होता है, उसमें अपने को इंटरेस्ट, जब अभी अपने को दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 15%, तो 60 का 15% कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरे का पूरा हो जाएगा हमारा CI, चक्र ब्याज 2 साल का, यानी ये हो कितना गया, 60 60 120 129, यानी कि 129x अपने को ब्याज मिला होगा सालों के अंदर। अगर वो SI बोलता तो SI कितना होता, 60, मगर अपने को CI बताना है, कम है, तो 129x मिला होगा 2 साल में, और हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 206, यानी कि 129 to 20,600, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी
हम निकाल लेते हैं एक बारी, क्या से 246 बटे 129, 9 6 जो 54, यानी कि 16 बार जाएगा, 160 बार मतलब। एक्स की वैल्यू आ गई 160, और अपने को वैल्यू पेमेंट निकालना है 400 एक्स की वैल्यू, तो 400 इंटू 160, क्योंकि एक्स की वैल्यू 160, तो 16 चौक 64 के आगे 3 0 लगा, तो 64,000 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो मैंने अपने ये क्वेश्चन जो 261 है मैंने अपने ऑलमोस्ट सभी लेक्चर में बताया है, तो ऐसा कुछ टिपिकल प्रॉब्लम भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। अगर आप में से कोई व्यूवर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूँ। ये क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 91, ए माइनस बी इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। अब अपने को ऐसी क्या सोचनी है जिसको जिसके क्यू माइनस करने पर 91 आ जाए, तो क्या क्या हो, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 5 का क्यूब होता है 125, एक बिल्कुल यही है। और ए में से अगर हम बी घटाएंगे तो एक ही आएगी, ए की वैल्यू 6 हो गई और बी की वैल्यू 5 हो गई, 30, क्योंकि अपने क्यों निकाले तो 6 × 5 बराबर 30 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दुगने से अधिक है। ओके, ए फ्रैक्शन इज देन ट्वाइस इट्स रेसिप्रोकल बाय 15। ओके, यानी ये कह रहा है एक्स अपॉन वाई माइनस ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ए की बात हो रही है ना तो इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा। अगर एक्स बटे वाई फ्रैक्शन था तो व्युत्क्रम क्या होगा, उसका व्युत्क्रम होगा वाई एक्स, मगर दुगना कह रखा है, ट्वाइस कह रखा है ना, तो मैंने दुगना कर दिया इसका व्युत्क्रम करके, और घटाने पे कितना बचना चाहिए 7/15। अपने अब ध्यान से देखो, नीचे जो भिन्न के जा रखा है ना सॉल्यूशन में, वो 15 दे रखा है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए 15 लाने के लिए, या तो वाई 5 हो, एक्स 3 हो, या एक्स 5 हो वाई, तो यानी कि हमने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ऑप्शन को मिला ले कि 5 3 किस किस ऑप्शन में है, खाली शुरू के दो ऑप्शन में है, तो यानी कि बाकी दो तो बेचारे शहीद हो गए। अब फर्स्ट ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि दो ही बचे हैं ना, तो देख लेते हैं 3/5। अब देखो फ्रेंड्स, जो पहला ऑप्शन है वो आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा जो ये भिन्न जो है वो ऑलरेडी एक से कम है, एक से कम आया, अगर हम एक से कम की संख्या को उसके लेंगे ना, तो जो अपनी वैल्यू आती है वो माइनस में आती है, तो माइनस में तो नहीं है, प्लस में आ रखी है, यानी कि पहला ऑप्शन भी अपने आप नेगेट हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर है तो हम इसको बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज -20 एंड द लास्ट टर्म इज 20। तो निकाल रहा है पद का जो हम योग निकालते हैं वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, है सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एस सॉरी एन पदों का जो योग होता है क्या होता है, एन बाय टू बटे पहला पद प्लस आखिरी का पद। तो वैल्यू रख देते हैं कि वैल्यू कितनी है 17, तो 7/2, पहला पद कितना दे रखा है माइनस, तो -20 प्लस 28, क्योंकि आखिरी पद 28 है, तो यहाँ आ जाएगा 7/2 × 8, तो चला गया 17 7 7 68 हो गया, ऑप्शन नंबर पहला। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से आगे, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट माइनस वन इन द लाइन एक्स बराबर माइनस दो। कोऑर्डिनेट लेते हैं। ओके हमसे कहा गया है कि जो रिफ्लेक्ट एक्स बराबर माइनस दो पे होना चाहिए, यानी कि एक्स बराबर माइनस दो, यानी कि शीशा कहाँ पे रखा, एक्स बराबर माइनस दो पे रखा हुआ, ये शीशा रखा हुआ है माइनस दो पे रखा हुआ है। अब देखो मैं, क्योंकि जो आंसर आएगा वो एक्स एक्सिस में आना चाहिए, यानी जो चेंज होगा वो खाली एक्सिस में बदलाव आएगा, वाई सेम रहेगा, यानी जो भी आंसर होगा उसमें वाई प्लस वन होना चाहिए। देख लेते हैं वाई प्लस वन किस में है, दो में से आंसर होगा तो दूसरा और तीसरा तो अपने आप ही सही है बेचारा। देख पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट जो अपने को दे रखा है माइनस थ्री, यानी कि या माइनस थ्री तो ये रहा और प्लस वन ये रहा, यानी कि कहीं पे यहाँ पे रखा हुआ है। हमें पता है फ्रेंड्स जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन हम शीशे जितना आगे खड़े हमारी इमेज उतनी ही पीछे बनती है, ये है तीन और शीशा रखा है माइनस दो पे, तो अंतर है कितना, 1 मीटर का तो अंतर है, क्योंकि पॉइंट रखा हुआ है माइनस पे, रखा हुआ है माइनस दो पे, तो अंतर कितना 1 मीटर का, यानी जो हमारी इमेज बनेगी वो शीशे से 1 मीटर पीछे बनेगी, इधर बनेगी, ठीक है, क्योंकि हम इधर इस तरफ खड़े तो इमेज इधर बनेगी एक दूर, तो ये एक्चुअल में है क्या, ये है माइनस वन, तो आंसर आ जाए माइनस वन और वन, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिकोण एबीसी के का निर्देशांक दो दो है, शीर्ष सी के, ओके सी के को निकालने हैं। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो सेंट्रॉइड होता है, जो केंद्रक होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे तीन बराबर सी एक्स, मतलब सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, और सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई वन प्लस y2 टू प्लस वाई थ्री बटे तीन। तो अपने को x और सी वाई गिवन है, एक्स वन एक्स टू गिवन है, वाई वन वाई टू गिवन है, एक्स थ्री अपने को गिवन नहीं है और वाई थ्री अपने को गिवन नहीं है, ठीक है, आंसर आ जाएगा वो सी एक्स की वैल्यू कितनी रखिए दो, तो ये हो जाएगा दो और तीन ही छः, तो ये क्या हो जाएगा छः बराबर वन की वैल्यू कितनी है एक्स के साथ, तो सात प्लस एक्स टू की वैल्यू एक है प्लस एक प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा एक्स बराबर एट प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइड के बचे माइनस के दो, यानी कि एक्स थ्री की वैल्यू है माइनस दो, उससे ये माइनस दो। अब वाई की निकाल लेते हैं सिमिलरली, तो ये भी अपने को सी वाई भी अपने को दो, तो इसकी भी दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी छः हो जाएगा, छः बराबर वाई वन की वैल्यू कितनी है, वाई वन की वैल्यू है माइनस वन, वाई टू की वैल्यू है, वाई टू की वैल्यू कितनी देर के वन दे रखी है प्लस वन, नहीं ये टू है, वाई टू की वैल्यू ना, तो यहाँ से कितना आता है प्लस वाई थ्री, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सिक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई, तो वाई कितना हो जाएगा सिक्स माइनस वन की वाई बराबर पांच आ गया, माइनस दो और पांच, नंबर पहला, एक्स की वैल्यू माइनस टू आई थी, वाई की वैल्यू फाइव आई है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन वाला। क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ ए एक्स माइनस फोर वाई माइनस छ हैज स्लोप माइनस थ्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें एक्स के जो वेरिएबल्स है ना उनकी वैल्यू ए, और मतलब एक्स के वेरिएबल को ए कर दिया, एक्स का वेरिएबल बताना है, ठीक है। अगर इक्वेशन रखी हो तो जो हमारा स्लोप होता है माइनस एक्स अपॉन वाई, और ये एक्स और वाई क्या शो करते हैं, वेरिएबल्स शो करते हैं, तो दे रखा है, ये दे रखा है माइनस तीन बटे, कहने का मतलब जो हमारी वैल्यू होगी ना, अब हमें इसको कंपेयर करेगा एक्स का कितना है ए, यानी कि माइनस ए, और वाई क्या कितना दे रखा है माइनस का,
तो इस माइनस के माइनस शहीद हो गया, तो 2 से 2 बार शहीद हो, ए क्या बचा, ए बराबर -6 बच गया, ऑप्शन आ जाओ -6। फ्रेंड शायद में से कुछ फ्रेंड्स को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। स्लो हम डिनोट करते हैं एम बराबर -x/y, तो -x/y हम देंगे एक्स के कॉफिशियंट को और वाई के कॉफिशियंट को, तो एक्स का कॉफिशियंट कितना दे रखा है अभी यहाँ पे ए, तो -a आएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस आना चाहिए, तो -a, और वाई का कॉफिशियंट कितना है -4, तो मैंने -4 लिखा, तो माइनस से माइनस है यहाँ पे आ गया ए बटे चार, मगर ऑप की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें ऑप क्वेश्चन में, -3 बटे, तो 4 से 2 बार कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था तो की वैल्यू -6 आ गई, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने को दे रखा है त्रिभुज ए बी सी, ए बी और ए सी भुजाओं पर डी ई दो बिंदु डी ई बी सी के समान, ओके ट्राइंगल बना लेते हैं, बना लिया ए बी सी डी ई बिंदु बना दिए और जोड़ दिए डी ई, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ए डी और डी बी में अनुपात दे रखा है 1:2, यानी कि इस पूरे का अनुपात कितना हो जाएगा 3, ए डी दे रखा है 1 और डी बी दे रखा है 2, यानी कि पूरा 3। हमें इस बड़े वाले ट्रायंगल का फल दे रखा है 45, तो हमें नीचे वाले का निकालना है, जो नीचे जो क्वाड्रिलेटरल है ना चतुर्भुज जो है, या हमें इसका निकाल सकते हैं इसको, अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में से बड़े वाले ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, अगर हम इसको माइनस कर तो जो यही बच जाएगा ना, तो हमें किसी तरह छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसको फिर से माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है देखते हैं कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, अगर हम किसी दो, अब क्योंकि ये जो हमारा ट्रायंगल था अब ये दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो चुका है, और वो दो सिमिलर ट्रायंगल कौन से हैं, तो ए ए डी ई और ए बी सी, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए डी ई बटे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, वो उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, तो मान लो अपने को ए डी मालूम है, तो ए डी का स्क्वायर, और बड़े ट्रायंगल में ए बी मालूम है वो कितना है 3, ए का स्क्वायर, तो ए डी का मान कितना है, ए डी का मान 1 है, तो स्क्वायर 1 ही होता है, और ए बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अपने को ए डी पता है, क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल मालूम है वो कितना देर, 45 नहीं है 45 है, तो यानी एक्स अपॉन 45 बराबर 1/9, तो 9 5 की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि जो ऊपर का जो ट्रायंगल है ना इसका क्षेत्रफल है 5, तो अपने को ट्रायंगल के क्षेत्रफल में से ऊपर का क्षेत्रफल माइनस कर दो, कहने का मतलब 45 -5 = 40, और यही हो जाएगा नीचे के क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों का मिला के 45 है ना, तो ऊपर का 5 बचा नीचे का 40 बचा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला ओके अपने को गिवन इक्वेशन की कैलकुलेट करनी है, गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देख लेते हैं अंडर रूट 45 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 45 की वैल्यू अंडर रूट ये आ गया, प्लस 1/, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन वैल्यू भी 1/√3 नहीं होती है, तो ये हो कितना गया 2 + 1/3, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7 7/, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज है जो वाई पे समकोण है, तो बना लेते हैं वाई पे समकोण, ये रहा वाई और ये रहा जेड, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री है, डिग्री होगा क्योंकि ट्रायंगल के कोणों का योग 180, तीनों एंगल्स कम 180 होना चाहिए, तो तीनों से एंगल बन गए। अपने को दे रखा है व्हाट इज जेड एक्स बराबर 9, जेड एक्स बराबर 9 यानी कि जो ये हाइपोटेनस की लेंथ 9 दे रखी है, तो वाई जेड निकालना है, ये निकालना है। ओके फ्रेंड एक छोटा सा पता है मैं बता देता हूँ, वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, 30 60 किसी ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री वाले एंगल के विपरीत भुजा अगर उसकी लंबाई x हो,
30 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई अगर एक्स हो तो 90 वाले भुजा होगी, 90 एंगल वाले विपरीत हो जाएगा, और 60 के विपरीत होगी एक्स रूट 3। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन दे रखा है, अपने को क्वेश्चन में 2x की वैल्यू कितनी है, 9 दे रखी है, तो हमें किसकी विपरीत निकालनी है, वाई जेड 60 के अपोजिट निकालनी है। ठीक है, तो 60 के अपोजिट क्या होती है, बारे हम देख लेते हैं, हमारी x नहीं आएगी, x है ना, तो ये 2x है तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 9/2, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2, और 60 के विपरीत 2√3, क्योंकि एक्स रूट थ्री होता है, एक्स की वैल्यू 9 है, तो एक्स रूट थ्री की वैल्यू की 9/2√3, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा 2√3, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस थीटा दे रखा है अपने को 15/17, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यानी आधार की वैल्यू कितनी है 15 और कर्ण की वैल्यू 17 है, और ये एक ट्रिपलेट होता है 8 17, तो ये 15 है, ये है, तो ये 8 होगी, हाइट 8 है इसकी, तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा, तो कर्ण की वैल्यू कितनी, कर्ण की वैल्यू है 17 और 8 मतलब एल्टीट्यूड 8 है, तो 17/8 आंसर आ गया, 17/ ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, ओके डीआई स्टार्ट हो चुकी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंट्री प्रोड्यूस द सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ कार, वो सबसे कम गाड़ी बनाने वाली दूसरी दूसरी सबसे कम की होगी, तो देख लेते हैं, यदि एफ क्योंकि 0.2 है सबसे कम, तो डी है 0.1 के साथ, तो 0.2 दूसरी सबसे कम बनाने वाली होगी, तो आंसर आ जाएगा एफ, ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी, बिल्कुल सही दूसरा ऑप्शन एफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, ओके अगला, अरे यार अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंट्री ई प्रोड्यूस कार्स परसेंट देन कंट्री, कंट्री ई का है, ए ने बनाई 9 और बी ने बनाई 0.8, चलो इसको 90 ले लेते हैं, इसको 80 ले लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ई ने बनाए थे 90 गाड़ियां और बी ने बनाई थी कितनी ज्यादा बनाई इसने 10, कितने पे 80 पे, तो 10/80 कितना होता है, 10/80 होता है 1/8, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 12.5%, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ 35% ऑफ द कार्स बाय दीस कंट्रीज आर डीजल एंड द रेस्ट आर पेट्रोल, एंड कार वर्स्ट ऑफ पेट्रोल, मतलब जितनी भी गाड़ियां बनी है उनका 35% तो डीजल से चलने वाली है, और बची हुई गाड़ियां जो होंगी वो पेट्रोल वाली है, तो मैं बता पेट्रोल की कितनी गाड़ियां थी, तो यानी पेट्रोल 65%, क्योंकि 35 तो डीजल की थी, तो 65/100 इंटू जितनी भी गाड़ियां हैं, देख लेते हैं गाड़ियां कितनी दे रखी है, या हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, या तो ओके हमें इन्हीं बिंदुओं को पड़ेगा, देख लेते हैं ये कितना हो गया, आ जा भाई 9 1 10, 10 3 13, और 8 21, 21 और 4 27, 27 गाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये 5 से 13 बार चला गया, और बिल्कुल पांच से ये 4 बार चला जाएगा, ये फिर से कितनी बार चला जाएगा, 5 से 5 5 25, 25.2 है, यानी कि 4 5.4, और ये 4 से कितनी बार चला जाएगा, ये 4 से चला जाएगा 4 4 12 4 3 12 4.5। ठीक है, यानी कि 3.25 को 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 325 गुणा 54,
15 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5 से 15 होते हैं। लेते हैं ये रहा ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि इससे 17 आ रहा होगा तो ये आंसर ये हो जाएगा। अच्छा अगर हम देख लेते हैं यही वैल्यू आएगी, 5 चौक 20 हाँ, 2 4 2 8 1 4 3 12 और 1 13 5 25 हासिल, 2 5 10 2 12। देखो आखिरी में 2 बार 5 आ गया, यानी कि होगा और किसी से 2 बार 5 आए नहीं रहे, ठीक है ना। पहला आंसर आ गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन है, इफ ऑन एन एवरेज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज $30,000 एंड एनवायरमेंट टैक्स लेविड ऑन ईच कार इज 2.5% ऑफ द सीपी, हाउ मच एनवायरमेंट टैक्स टैक्स इज कलेक्टेड होगा वॉज कलेक्टेड कार्स। यदि प्रत्येक गाड़ी का मूल हमें दिया हो $30,000 यानी कि ये सीपी दे रखा है, और प्रत्येक कार में 2.5% सीपी का टैक्स लिया है एनवायरमेंट टैक्स, तो सभी गाड़ियों से कितना टैक्स लिया जाएगा। तो अभी हमने देखा था कि हमने 27 गाड़ियां बनाई थी, ठीक है, गाड़ियों पे 2.5% निकाल देते हैं 30,000 का, तो 2.5 है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 लगा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने हैं $30,000 × 27, तो 3 0 से 3 0 शहीद हो गए, तो 25 75, तो ये 750 हो गया, 750 × 27 मल्टीप्लाई करना है, 7 5 7 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5 35 7 7 49 49 52 और 75 2 150, तो 5 2 5 10 1 2.025 आ गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। वैसे एक बार ऑप्शन नंबर 4th भी देख ले कि अब तक 2.05 भी दे रखा हो, नहीं ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, ठीक है, उन्होंने अप्रोक्स कर दिया है, तो ये इसका आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके इंग्लिश आ गई, यानी कि ये सेशन का आखिरी। फ्रेंड्स अगर आप में से किसी भी आज के सेशन का कोई भी क्वेश्चन कठिन लगा हो तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डाउट शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप, आप वहां मेरे से पूछ सकते हैं और हमने खुद के डाउट भी पूछ सकते हैं मेरे से। अब इस ग्रुप में ज्यादा लोग तो नहीं है, मगर फिर बूंद बूंद सागर भर। चलो मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।